अस्सलामुअलैकुम। मैंने आज आपको दिखाना था, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, बर्फ़ का तूफ़ान चला हुआ है रात का। अभी तो खैर पेशगोई है कि मतलब दिन भर चलेगा, फिर रात को 8 बजे स्नो स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस वक़्त हवा वगैरह नहीं चल रही थी, तो ये रात को थोड़ा लेट हवा स्टार्ट हुई है। लेकिन वो देखें आप, सामने वालों की छत पे भी जो है ना, वो छतों पे भी नहीं स्नो टिक रही, नहीं टिकी। ये देखें, इस दफ़ा तो कमाल का तूफ़ान है और 24 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो रहेगा, अभी तो ये बताया जा रहा है। और स्नो भी तकरीबन अब कुछ लोगों ने जो है ना वो अपने घरों के आगे से हटाना शुरू की है। ये हमारे भी इधर उठाई जा रही है, वो देखें, तो हमारे भी यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है। ये देखें सीढ़ियाँ नज़र कम ही नज़र आ रही हैं, पता बस ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना मसनो, ये देखें ऊपर तक गई पड़ी है। ये अभी भी मैं बाहर निकली हूँ तो जो है ना ये टच नहीं हो रहा था, मैंने ग्लव्स पहने, लेकिन ये मैंने हाथ में पकड़ लिया, दूसरा एक तो पहना हुआ है तो वो टच नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे उतारना पड़ा, तो हाथ इतना वो हो रहा है ना जैसे कि फ्रीज हो रहा हो। ये देखें छतों के ऊपर से गिर रही, इतनी तेज़ हवा है, हवा आपको शायद नज़र आ भी रही होगी, लेकिन ये है कि दरख्त जो है ना वो सारे उनके पत्ते छते गिरे हुए हैं, इस वजह से नहीं तो अगर पत्ते हों तो बड़े झूमते हुए नज़र आते हैं ना, छड़ियाँ जब हिलती हैं तो इतना नहीं, लेकिन आपको फिर भी स्नो की जो है ना वो हालत से पता चल रहा होगा कि तेज़ हवा है। वो देखें गाड़ी के टायर जो ज़रा ज़रा नज़र आ रहे हैं, बाकी जो मतलब रोड साफ़ करने वाली गाड़ियां हैं वो भी अब सुबह से जो है वो नहीं गुजरी, रात को लेट नाइट साफ़ करके गए हैं बस। तो अल्लाह ताला खैरियत का मामला करे, यहाँ पे वैसे जो है ना सिस्टम तो यहाँ पे अच्छे हैं, और बार बार अनाउंस कर रहे थे गवर्नमेंट वाले भी कि जो है ना इस तरह से तूफ़ान चलेगा, आएगा बर्फ़ का तूफ़ान। लास्ट टाइम मैंने मूवी बनाई थी तो इसके ऊपर काफ़ी सारी स्नो टिकी हुई थी इस दरख्त के ऊपर, तो आज ये सारी गिर चुकी है तेज़ हवा चलने की वजह से। सब तरफ इसी तरह से है, कोई पता नहीं चल रहा, ये हमारे घर की तरफ जो मतलब इधर आता है रास्ता, उसकी भी समझ नहीं आ रही कि वो है कि नहीं, सब लेवल हुआ पड़ा है। ये जिधर फूल वगैरह पौधे लगे हुए थे वो खैर सर्दियों में तो मुरझा चुके थे, लेकिन नज़र आते थे सूखे हुए ड्राई हुए हुए, उनका भी नहीं पता चल रहा, कोई घास का कुछ पता नहीं चल रहा कि रोड किधर है और लॉन किधर है। ये बच्चों ने वो साफ़ करना शुरू किया, वो देखें कितने बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा रास्ता उन्होंने किया साफ ना, वो सामने दीवार के साथ देखें, सिर्फ थोड़ा सा ये रास्ता साफ़ किया तो इतना बड़ा ढेर हो गया। अब मेरा हाथ जो है वो फ्रीज हो रहा है, अब मैं उसको पॉकेट में ही डाल लूँ, दूसरे हाथ की मदद से जो है ना वो बना लूँ, उसको पॉकेट में डाल लूँ। और लॉन के अंदर भी जो है ना वो मैं अगर दिखाऊँ तो वो यही हालत है, यही कुछ है, इसी तरह से हर चीज़ मतलब छुपी हुई है, ढकी हुई है। ये भी जो है ना वो पौधा है इसके विंडो के आगे। अब थोड़े थोड़े कुछ लोगों ने अपने, क्योंकि वीकेंड है ना, वीकेंड की वजह से मतलब इस टाइम तक भी लोगों ने नहीं सफाई की, हर बंदा घर पे है तो आज थोड़ी सी लेट सफाई, नहीं तो जाहिर है जैसे ही सुबह उठते हैं तो जल्दी ज़रा पहले सफाई हो जाती है, आज थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है, वो भी मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी अभी तक निकले बाहर ना, नहीं कर रहे। पहले मैं सुबह सुबह बनाने लगी थी, जब मैं फजर पे उठी फिर मैंने कहा नहीं सारा दिन रहनी है, तो सारा दिन रहेगी, सारा दिन रहनी है तो मैं बाद में बना लूँगी ना। ये देखें, कमाल है भाई, सारी मुंह के ऊपर भी आ रही है, फ़ोन के ऊपर भी आ रही है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, तो आपको सिर्फ मेरा मकसद था दिखाने का कि आप लोग देख सकें, दिखा दूँ आप लोगों को। सर्दी बहुत है, हालांकि अपने आप को कवर करके बाहर निकली हूँ, तो
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, जुड़ी रहूँगी, दिखाती रहूँगी जो मैं खुद देखूँगी अच्छा लगेगा या एंजॉय कर रही हूँ या मतलब जो भी जिस तरह का भी मतलब मैं देखूँगी सीन, तो मैं ज़रूर व्लॉग बना के आप लोगों के लिए डाला करूँगी। तो दुआ में याद रखा करें। अस्सलामुअलैकुम।